जो ये मम्मी और बेटे की जो सरकार है, ये पप्पू की सरकार अब समाप्त हो गई। ये तो ऐसी सरकार रही है कि हनुमान चालीसा करो तो नोटिस देती है, सुंदरकांड पाठ करो तो नोटिस देती है, काम तो कुछ किया नहीं। 5-स्टार होटल में मौज की है इन्होंने सरकार के पैसे की, और संपूर्ण राजस्थान को कर्जे पर लाकर छोड़ दिया दूसरे नंबर पे। 26 औसतन रोज के दुराचार माताओं के साथ हुए, राजस्थान में पेपर लीक हुए, घोटालों की सरकार रही और संपूर्ण राजस्थान को कर्जे पर लाकर छोड़ दिया दूसरे नंबर पे। पहला पंजाब और दूसरा राजस्थान, और एडवर्टाइजमेंट की सरकार रही, एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया, और राशन रूशन भी दिया तो नकली दिया, जिससे बीमार और हो गए और बीमारी में खर्चा और बढ़ गया। तो ऐसी जो गहलोत सरकार रही, मुगल रूप में काम किया, उसका आज समापन हो गया और पतन हो गया। परकोटे की 3 सीट आएगी, विधानसभा में 200 कमल खिलेंगे और कमल पे लक्ष्मी विराजमान है, समृद्धि आएगी 5 साल की, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हम सारे सामूहिक रूप से काम करेंगे। परकोटे की सबसे बड़ी समस्या, परकोटे में टूरिज्म बंद हो गया, जिससे अच्छी आमद थी। परकोटे के अंदर इस प्रकार का ट्रैफिक हो गया कि अब कोई गाड़ी घोड़ा चलाना मुश्किल है। 40,000 ई रिक्शा दिखते, बाकी कोई और कुछ नहीं दिखता, बहुत भारी समस्या। परकोटे में माताएं बहन अगर आती है कोई खरीदारी शॉपिंग के लिए तो वो सुरक्षित नहीं है, चैन पर्स तो बहुत आम बात है। उसके अलावा परकोटे में चलने की स्थिति नहीं रही। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि माताओं बहनों के लिए कोई शौचालय नहीं है, इस बारे में कोई सोच भी नहीं है, क्योंकि ये तो दुराचारियों की सरकार रही है। इसका स्वभाव और कृत्य क्या रहा है, ये तो ऐसी सरकार रही है कि हनुमान चालीसा करो तो नोटिस देती है, सुंदरकांड पाठ करो तो नोटिस देती है, 10 बजे रामलीलाओं में नोटिस देती है। तो इनका भाव तो सनातनियों के खिलाफ है, तो ये सनातन को दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, और सनातन को मिटाने की ये बात करते हैं। जो ये मम्मी और बेटे की जो सरकार है, ये पप्पू की सरकार अब समाप्त हो गई। तीनों विधानसभाओं में आप घूमकर मीडिया वाले मिलते हैं और यही झूठ फैलाते हैं, ये दंगे चाहते हैं, ये तुमने झूठ कहा, पर ये झूठ का पर्दाफाश हमने किया। हमने जा के दिखाया कि तुमने कितने मंदिरों को खंडित किया और कितने तुमने मंदिरों की जमीन को कब्जा किया, और 2 जगह संतों को जान से मारा, और कितने ही संतों को इस 4 साल में आप लोगों ने मारा, कितने ब्राह्मण पुजारियों की हत्याएं आपने करवाई, तो वो सब देख रहे हैं। तो अब सर्व समाज के लोग सामूहिक रूप से संपूर्ण राजस्थान में संकल्प ले चुके हैं कि जो ये कुशासन है, कहते हैं ना मोदी जी बार बार जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस मुक्त राजस्थान। देखिए, बीजेपी और मोदी सरकार का एक स्वभाव है, बार बार कहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, सर्वे भवंतु सुखिनो की बात करते हैं, कि हम सनातनी है, और यहाँ क्या स्वभाव रहता है, एक आंख बंद कर लेते हैं, एक आंख से देखते हैं, और फिर एक आंख से जो देखते हैं वो सिर्फ उनको सनातन का भगवान ही दिखता, उन्हें हरा ही हरा दिखता है। तो वो हरा दिखता है तो उसके हरे का नुकसान भुगतो। हम तो सबका विकास की बात करते हैं, और कितना बड़ा काम किया है अभी 3 तलाक का, मुस्लिम माताओं बहनों को कितना फायदा उसका मिला है, ये लोग कैसे कह सकते हैं। ये लोग करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, ये तुष्टिकरण की राजनीति अब सब समझदार हैं, आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, सब इनको समझ गए हैं। ये चाहते क्या है, ये चाहते सिर्फ पंचर निकालो, इससे आगे तरक्की नहीं चाहते। हम तो फिर भी विकास चाहते हैं, लेकिन अब सनातन पर चोट करेंगे तो इनका अंत होना ही होना, ये तय है। राजनीति हमारे भाजपा की बहुत अच्छी सी चल रही थी, कांग्रेस की गड़बड़ चल रही थी, पूरे 5 साल होटल में 5-स्टार में निकली है राजनीति, और यही डर बना रहा है कहीं सचिन जी लेके न भाग जावे, कहीं गहलोत जी लेके न भाग जावे। काम तो कुछ किया नहीं, 5-स्टार होटल में मौज की है इन्होंने सरकार के पैसे की, हमारे पैसे की, हमारे दिए हुए टैक्स की, और झूठा एडवर्टाइजमेंट के अरबों रुपया बर्बाद किया है, और राजस्थान को कर्जे पर लाकर खड़ा किया इन्होंने।